हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुक विद सुधा में। फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा खाना भला किसको नहीं पसंद है, स्पेशली बच्चों का तो ये फेवरेट होता है। अगर पिज़्ज़ा जो है टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी हो तो क्या कहने। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ दो फ्लेवर में पिज़्ज़ा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। तो एक बड़ा सा बॉल लेंगे, इसमें डालेंगे एक कप गेहूं का आटा। तो आटे को यहाँ मैंने कप में अच्छे से प्रेस करके भरा, आप चाहें तो एक कप यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, तो इस प्रकार की पैकिंग में ये आता है। और एक चौथाई छोटा चम्मच जो है हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, जिसे हम लोग मीठा सोडा भी कहते हैं। तो ये जो है प्लेन आता है। और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। इसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/3 कप दही डालेंगे, दही को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, जिस प्रकार से हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं, बस उससे थोड़ा सा ये सॉफ्ट रहेगा। थोड़ा सा हम इसमें हल डालेंगे और थोड़ा सा इसे मसलते हुए हम चिकना कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी एक बॉल जैसी बना लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे जो है हम कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। चलिए अब हम इसके लिए इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार करते हैं। तो अगर आपके पास पहले से ही पिज़्ज़ा सॉस है तो आपको इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 4 चम्मच टोमेटो केचप ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 कली बारीक कटा हुआ लहसुन और आधा चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटी चम्मच है तो हम 1.5 चम्मच डालेंगे, अगर आप बड़ी चम्मच ले रहे हैं तो 1 चम्मच डालें। इसके बाद 1/4 छोटा चम्मच इसमें क्रश की हुई काली मिर्च डालेंगे, बहुत ही थोड़ा यानी 2 पिंच हम इसमें नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसे हम रख देंगे साइड पे। पैन में हम 1/2 छोटा चम्मच जो है रिफाइंड ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिंग के लिए जो भी आप वेजेस लेते हैं, अगर उन्हें आप थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप चाहें तो कच्ची भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा लेयर में कटा हुआ प्याज और स्क्वायर से में कटा हुआ थोड़ा सा शिमला मिर्च और स्क्वायर से में कटा हुआ थोड़ा सा टमाटर लिया है, जिसके बीच मैंने निकाल लिया। तो इसे जो है हमें मीडियम फ्लेम पर जो है 1/2 मिनट या हाई फ्लेम पर कुछ सेकेंड ही नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो कुछ सेकेंड ही नहीं मैंने फ्राई किया है, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। इसी पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है। तो इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। आप चाहें तो पनीर को कच्चा भी रख सकते हैं, बस फ्राई करने से क्या होता है इसमें थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, इससे क्या है पनीर हमारा बढ़िया कलरफुल हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही हल्का सा इसे फ्राई किया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आटे को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। हाथ में थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे थोड़ा सा हम मसल कर चिकना कर लेंगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इसकी हम लोइयां बना लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये छोटे साइज़ के पिज़्ज़ा आपके तैयार होंगे, अगर आप बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो 1.5 कप यहाँ पर आटा लीजिएगा। इस प्रकार से हमें एक चिकनी सी लोई बनानी है, हल्का सा फ्लैट करेंगे। इसके बाद इसकी जो है हमें एक मोटी सी रोटी बेल लेनी है इस प्रकार से। ज़रूरत पड़ने पर आप बीच में जो है सूखा आटा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए रोटी जो है मैंने यहाँ पर बेल ली है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जब पकेगी तो थोड़ी सी और मोटी हो जाएगी। अब हम इसे फॉर्क की मदद से प्रिक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप इसे पकाएंगे तो ये रोटी की तरह नहीं फूलेगा, नहीं तो ये फूल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से प्रिक कर लिया है। जो भाग प्लेन है उसे हम ऊपर रखेंगे। तो पैन को आप अच्छे से टच करके देख लीजिए कि बहुत ही हल्का सा ये गर्म होना चाहिए। इसके बाद फ्लेम को हमें लो रखना है और इसे कवर कर देंगे। कम से कम 5 मिनट के लिए हमें इसे पकने देना है। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि पिज़्ज़ा बेस हमारा तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, क्योंकि ये गेहूं के आटे का है तो इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आएगा ऑयल लगाने से। अब हम इसे पलट देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके बाद जो हमने इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार किया है तो उसे हम अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे।
इसके बाद एक से दो चम्मच हम इसके ऊपर मेयोनीज डालेंगे। अगर आपके पास व्हाइट सॉस है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसे हम ग्रेट करके डालेंगे। अगर आपके पास ग्रेटेड वाला है तो आप उसे डाल दीजिएगा। तो चीज़ आपको जितना भी पसंद हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद जो है इसकी टॉपिंग कर देंगे, यानी इसे जो है एकदम बढ़िया सा हम सजा देंगे। थोड़ी सी पीसेज जो है पनीर के भी रख देंगे तो ये और भी सुंदर लगेगा देखने में, और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ हम ऊपर से भी डाल देंगे। इसके बाद गैस को ऑन करेंगे। फ्लेम को हमें यहाँ बिल्कुल लो ही रखना है। इसके बाद इस पर डालेंगे चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो। आप चाहें तो जब पिज्जा आपका तैयार हो जाए तभी मसाले डाल सकते हैं। एक पिंच हम इसमें क्रश की हुई काली मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। इसे कवर करके हमें 4 से 5 मिनट पकने देना है। 4 से 5 मिनट के बाद देखेंगे कि ये जो चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पिज्जा देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए स्वादिष्ट और हेल्दी पिज्जा हमारा बनकर तैयार होगा। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बना है। चलिए अब हम दूसरा पिज्जा तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें एक मोटी सी रोटी बेल लेनी है, फ्लिक करना है, हल्के से गर्म पैन में उसे 5 मिनट के लिए पका लेना है। 5 मिनट के बाद जो है ये बेस आपका तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इसके बाद इसे पलट देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके बाद जो है इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगाएंगे। इसके बाद 1 से 2 चम्मच मेयोनीज को जो है बेस के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये पिज़्ज़ा जो है हम पनीर से बनाएंगे, तो आप इसे पनीर पिज़्ज़ा कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पिज़्ज़ा खाने का मन है लेकिन आपको मोज़रेला चीज़ जो है ईजिली नहीं मिलता है, तो आप ये पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बनता है। इसके बाद जो है इसकी बढ़िया से हमें टॉपिंग कर देंगे जो पनीर के पीस से, उसे भी हम इस प्रकार से अच्छे से सेट कर देंगे। थोड़े से स्वीट कॉर्न मेरे पास रखे थे तो उसे भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, और बाद में हम थोड़ा सा पनीर जो है इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे। इसके बाद जो है इसके ऊपर हम मसाले डालेंगे, जैसे चिली फ्लेक्स और ग्रीनो क्रश की हुई काली मिर्च और 1 पिंच नमक। आप चाहें तो ये मसाले जो हैं लास्ट में डाल सकते हैं जब आप पिज़्ज़ा को कट करते हैं, क्योंकि जब आप पहले डालते हैं मसाले ना तो इसका फ्लेवर बढ़िया सा आता है। सारे मसाले डालने के बाद गैस को ऑन कर देंगे। फ्लेम को हमें यहाँ लो रखना, 5 मिनट के लिए इसे पकने देना है। 5 मिनट के बाद देखेंगे कि ये पिज़्ज़ा जो है आपका बिल्कुल रेडी हो गया। तो इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसके बाद जो हम इसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये पनीर पिज़्ज़ा जो है हमारा देखने में कितना सुंदर लग रहा है। जितना ये देखने में सुंदर लग रहा है उससे कई गुना ये खाने में टेस्टी है। तो फ्रेंड्स कुछ टेस्टी और हेल्दी खाने का मन हो तो आप ये पनीर पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए दोनों पिज़्ज़ा जो है एक से बढ़कर एक है, बहुत ही टेस्टी बने। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। इनमें से कौन सा पिज़्ज़ा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।